लास्ट मैंने आपको कल जो बताया था थ्री फेज को बैकवर्ड एडिटिंग मेथड से भी समझा के दिखाया था, एक मैंने आपको मैनुअल मेथड बताया था और एक मैंने बैकवर्ड एडिशन मेथड बताया था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि थ्री फेज है, आपने जब भी थ्री कॉइल्स होगी तो वो 120 डिग्री अपार्ट पे एक दूसरे से क्या होंगी, अलग अलग मतलब क्या होंगी, आपकी बाइंड होगी थ्री फेज। तो मैंने आपको कुछ इसी तरीके से बताया अगर आपको याद हो, इसको मैंने क्या माना था आधा, इसको ई बी बी वन और ई वाई वन, ये हमेशा पेयर्स में होगा, ठीक है। शुरू से एंड तक ये कहे कि ये जीरो है तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, तो ये वाई बी बी वन आर वाई वन, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो आर वन आर वाई वन वाई और बी वन बी। उसके बाद में मैंने आपको 120 समझाया था, उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसी दो का, इसी दो फेज का रिजल्टेंट देखेंगे अगर वेक्टर एडिशन मेथड से, तो उसको समझाने का एक तरीका मैंने आपको ये बताया था इसके अंदर कि लाइक ई आर आर वन है तो आपको पता है कि हर एक कंपोनेंट के हर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, यही था ई एच का स्क्वायर और इसका हो जाएगा कंपोनेंट को हमने उसमें क्या दिखाया था, ई से दिखाया था मैग्नीट्यूड को जो मैंने आपको ईएमएम में पढ़ा था। तो मैंने क्या कहता है एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट होता है, दोनों का स्क्वायर करते हैं ऐड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं हमारा रिजल्ट निकलता है, यही बताया था। ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक, ठीक है, यही बताया था और दोनों हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर, ये भी बताया था। तो अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि पहले मैंने ये वाला मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है। देखो जितनी बार हम उसको पढ़ेंगे उसमें और ईज करते जाएंगे, उतना आसान करते चले जाएंगे, कल आपको कुछ समझ आया आज आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ई आर आर वन एक फेस था, इसके दो कंपोनेंट करेंगे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो एक कंपोनेंट तो उसका ये वाला आ गया, ठीक है। और ये मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक मैंने मान लिया ये वर्टिकल, ठीक है, डन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ आप क्या करते हो कॉस, ठीक है, कॉस थीटा, और इसके साथ क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। फिर मैंने एंगल डाला था 60 60, ऐसे किया था उसी तरह। फिर अब मैं वाई 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 भी चलूँ ये वाला फेस, ये वाला फिर इसमें यही होगा, एक कंपोनेंट इसका यहाँ होगा, इसका भी दो कंपोनेंट होंगे ना, एक आपका क्या होगा वर्टिकल जिसको आप साइन से रिप्रेजेंट करते हो साइन थीटा, और एक होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इसी की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ई एच कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। एंगल के बारे में मैंने कल समझा था, फिर ये भी पता लग गया कि हमने 60 क्यों लिखा है, वैसे होगा 30 होगा, क्यों, क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में जो हमेशा डिफरेंस होता है वो आपका 90 होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे होता है। मैंने ईएमएम में स्पेशली चीज बताई कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपो क्योंकि हमेशा डायगोनल एसेस के बीच में आता, ठीक है। तो इन दोनों का टोटल एंगल 90 होना चाहिए क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होते हैं वो 90 डिग्री पे तो होते हैं, सिंपल सी बात है, हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। तो ये भी दूसरे 90 डिग्री पे होगा, हो सकता है ये 60 हो ये 30 हो, हो सकता है ये 45 और ये 45, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे ये कहा है कि 120 120 है तो मैग्नीट्यूड बीच में 60 हो जाएगा ना, आ गई मेरी बात समझ, ये सुनो। तो अब आपके दो कंपोनेंट, तो अब आपको ये पता है, अब यहाँ पे देखिएगा अगर मैं, क्योंकि मैं इन दो फेज की बात कर रही हूँ, किसकी रेड फेज की और किसकी येलो फेज की, यही कर दिया ना, इसी तरह आप इसका और इसका भी ले सकते हो, इस तरह आप इसका और इसका भी ले सकते हो, ठीक है। तो पहले मैंने जो फेज लिया है पहले मैं उसकी कहानी बताऊँ, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि जब मैं यानी फर्स्ट फेज सेकंड फेज और थर्ड फेज, यानी फर्स्ट और थर्ड सेकंड फेज के बीच में आप क्या करोगे रिजल्टेंट निकालोगे, ठीक है। वो रिजल्टेंट क्या होगा जो उसके डायरेक्शन से जा रहा होगा, क्योंकि ये क्या करेगा इसको इसको पूरा कर देगा चतुर्भुज को, आया ना, ठीक है। तो अब हमें वेक्टर एडिशन मेथड यूज करना है, तो हमें पता लग गया कि ये वाला जो है ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल रिजल्टेंट क्या आएगा, डायगोनल की वैल्यू क्या आएगी, ई एच कॉस थीटा, ई एच कॉस थीटा, यानी टू ई एच कॉस थीटा, क्योंकि हमने ये कहा है कि ई आर आर हो, ई
ई वाई वाई हो या ई वी वी हो, ठीक है, 360 डिग्री में वो इक्वल 120 डिग्री के फेज डिफरेंस में क्या करेंगे, ईएमएफ वोल्टेज को ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे या ई प्रोड्यूस करेंगे या वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे, एक ही बात है, ईएमएफ वोल्टेज नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू योर वोल्टेज, ठीक है, आगे के पास समझ। तो अब यहाँ यानी इस डायग्राम में क्या है, रिजल्टेंट है, ये तो होता है आपका, ये रिजल्टेंट होता है, तो अब इसकी वैल्यू तो देख लीजिए, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2EH cos थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, ठीक है। अब EH की वैल्यू क्या है आपकी, E, क्योंकि E आर आर हो, E वाई वाई हो या E बी बी हो, ठीक है, तो हमने क्या किया, 2E cos यही आई थी, फिर 60 की वैल्यू डाली थी आपने, 1/2, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, ये तो कह रहे थे, आगे मेरी बात समझ। उसके बाद में अभी हमारी आधी काली रुकी हुई, ये मैंने क्यों स्टार्ट किया, ये तो अभी हमने केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात बताई, उसके साथ हम इसको वर्टिकल कंपोनेंट भी बच रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझ आएगी इवन साइन थीटा और इवन साइन थीटा, यानी इवन साइन 60 वर्टिकल कंपोनेंट जो है, यानी ई साइन 60 भी आप कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी तरह ई साइन थीटा, ई ई भी को यानी वर्टिकल कंपोनेंट है, और तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, उसकी वैल्यू क्या है, ई है, तो ई साइन 60, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है इस वेक्टर का, ई साइन 60, और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, ई साइन 60, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, मैंने यही लिखा है, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन अलग अलग, ये प्लस की तरफ है और ये माइनस की तरफ है, दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा इसका, तो यानी दो के फेस के बीच में रिजल्टेंट आएगा, तो मैग्नीट्यूड ई ही तो आना चाहिए, यही तो हमने कहा था, ठीक है, आ रही मेरे पास समझ, यस और नो, बस इतनी बात में समझा रही। तो मैंने ये जो लाइन लिखवाई है ना, इसमें ई आर रिजल्टेंट ई आर कॉमा ई बी बी वन और ई साइन 60 और ई साइन 60 के परिमाण में समान और विपरीत दिशा में होंगे, इसलिए उसका रिजल्टेंट क्या होगा, समझ आ गया मेरी बात, क्लियर है बच्चों। तो जो हमने वहां पीछे किया था वही आपको वेक्टर एडिशन मेथड से बताया गया है, वो इसलिए समझाया गया है कि जब हम स्टार डेल्टा कनेक्शन समझाऊंगी मैं आपको आज, तो आपको ये चीजें दोबारा समझूंगी, आपको हर तरह की चीजें पता होनी चाहिए, हम हर चीज में मैनुअली नहीं देखेंगे, आपको जो बाई बाई लेने आएंगे तो आपसे बार बार पूछेगा लाइन वोल्टेज क्या होती है, फेज वोल्टेज क्या होती है, स्टार की लाइन वोल्टेज क्या होती है, डेल्टा की फेज वोल्टेज क्या होती है, तो वो आपको ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वहां बताया नहीं पाते, जो बच्चे क्लास के अंदर है उनसे वो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है, सिर्फ मैं अपनी क्लास में प्रशांत एक ऐसा बच्चा था, प्रशांत और 2-3 बच्चे और थे, आपने मेरे क्लास में कुल मिला के 10 बच्चे थे उस क्लास में, मैं वहाँ बराबर में बैठती हुई हूँ और जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैंने इससे भी ज्यादा अच्छा उनको पढ़ाया, उनका कहना ये होता था कि हमें इलेक्ट्रिकल बहुत ही अच्छा समझ आता है जो बच्चे पढ़ने वाले थे, और बाकी क्लास में बैठते थे, जब 70 में से सिर्फ 20 बच्चे क्लास में आएंगे और बाकी होगा ऑल्टरनेट है, तो फिर जब वो समझ के आएगा, और जब कोई बच्चा जब कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है ना बार बार में, या मैंने वो पढ़ाया हुआ है 10 बार, मैं आपको बार बार ये बता दूँ, अब आप इसका इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट ना बता पाए तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना, फिर तो मैं सोचूंगी कि अब आपकी बात लगा, नंबर तो मिल ही जाते हैं, नंबर की बात भी होती है, लेकिन टीचर जो सामने बोलता है ना वो चीज बच्चा रिप्लाई नहीं कर पाता तो वही तो फीडबैक होता है, खाली अब पास होना, पास होना इस होता है फीडबैक, जो बच्चे क्लास में नहीं आ रहे उसमें उनके तुम्हारे से कर रहे, तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि आप उसको टेक्निकली समझो, जब मैं आपको लाइन और फेस वोल्टेज, क्योंकि जब तक आप कोरिलेट करके लाइन भी नहीं समझोगे ना, इंजीनियरिंग इज अबाउट उनको भी लर्न, इट्स अबाउट टू बी अंडरस्टैंड द थिंग्स टेक्निकली, कि ये चीज़ ऐसे चल रही है वैसे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, लाइन वोल्टेज क्या होगी, फेस वोल्टेज क्या होगी, वो आपको एक बार समझना पड़ेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, इसलिए मैं बोलती हूँ नोट मत क्या बोलूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे क्लास में बैठे हैं कि ये लिखते हैं छोटा, आप उठे तो नहीं आते तो आप भूल रहे हो, ठीक है, इन लोगों ने सर से स्पेशली आकर बोल दिया था कि हम गुलाब सर से नहीं पढ़ना चाहते, मतलब ऐसा नहीं बोलते हमसे नहीं पढ़ना चाहते, सर हम ऑफलाइन में मैडम से ही पढ़ना चाहते हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने कंप्यूटर साइंस वालों को मैंने पाती हूँ गुलाब सर पढ़ा, मुझे सिर्फ ये बोला गया था कि एक क्लास में 3 लेक्चर होंगे तो बच्चा भी रिलेट हो जाता है, लेकिन अब वो आपकी मनमर्जी से हो रहा है तो आप पढ़ रहे हो, तब ये नहीं पता था कि रेगुलर अभी फ्रीक्वेंट क्लासेस तो नहीं चल रही, मैंने तो अपने बच्चे से चला हुआ कि आधे घंटे की ले ली, एक घंटे की ले ली, टाइम हुआ 1.5 घंटे के, लेकिन टाइम नहीं हुआ तो आधे घंटे, मतलब ऐसा तो होता है, लेकिन उसमें
उसमें ये वाली बात है कि अभी वो डिस्टर्ब बहुत अच्छे समझ आ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे कोई चीज नाम भले ही वहां पे जाके किसी के साथ कहो, बात होती है कि आपको क्या समझ आएगा सब्जेक्ट पे। नाम तो सब गुलाब साहब ने आपके भी मेरा थोड़ा ना ये वाली बात करूँ तो मैं क्लास मतलब। तो बच्चे को ये तो बताना मुझे कौन पढ़ा रहा है, आपको समझ आना चाहिए इससे क्या मतलब है। इसका नाम सब कुछ मिल रहा है जिसमें तुम अच्छे नंबर डाले उसको तुम सब कुछ कोई अवॉर्ड नहीं। मैं आपको कहती थी मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी, जाओ पहले बोल के आओ छोटी में। तो वो चीज़ है, तो मैं चाहती हूँ टेक्निकल सब्जेक्ट तुम्हारा उसको तुम ज़्यादा कम है, और ये सेमेस्टर और अगला सेमेस्टर है जो तुम बहुत कम है। और जो मैं आप तुम्हें इलेक्ट्रिकल में से कितना ही काम का आया तुम्हारा, इससे ज़्यादा अगर तुम पढ़ाओगे तो तुम्हारे कभी काम नहीं। इसके बाद में इलेक्ट्रिकल तुम्हारे काम है जो तुमने आप समझ लिया, ट्रांसफॉर्मर समझ लिया, घर की लाइटों के कनेक्शन समझ लिए, लाइट समझ ली, बहुत इतना तुम्हें पता होना चाहिए। समझ आई मेरी बात? अब आधे लोग ये बोलते हैं कि मैंने चार्जर लगाया हुआ है ये लाइट ऑन क्यों हुई है। ऐसे बता दूंगी चार्जर आपने लगाया तो क्या कहेंगे कि ये तो लाइट कंज्यूम कर रहा है, जब ये यूज ही नहीं लाइट का लोग यही बोलते हैं ना। अगर आपको कुछ ही ऑन क्यों हुई चल रही नहीं है आउटपुट, तुम जैसे सपोज फोन को ही क्या है फोन का चार्जर है आप देख ही रहे हो ठीक है, देख वो मतलब आपने करेक्ट नहीं किया हुआ तो चार्ज जब चार्ज हो ही नहीं रहा है तो लाइट कैसे कंज्यूम पड़ेगा कि करंट तो आ रही है वो करंट आ रही है। लेकिन आपने कभी सोचा ही नहीं। मैं आपको बताती हूँ एक क्वेश्चन की सोच ऐसा पूछा आप नहीं फर्स्ट ईयर वाले तुम सुनते नहीं हो। आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा वहां पे मूव करता है जहां पे आपका पूरा लूप कंप्लीट होता है। कभी भी ओपन लूप में आपका इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव ही नहीं करेंगे तो क्या होगा करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगी, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू चार्ज। चार्ज कब मूव करेगा जब आपका क्लोज लूप होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मतलब है कि
मतलब है कि इसे अंडरलाइन करें, मतलब है कि तीनों फेज में कोई बात क्यों नहीं कर रहे हो? कि तीनों फेज में मैक्सिमम वोल्टेज हो
चेंज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आर भी वाई ना हो के आर वाई बी हो, आर वाई बी, आर वाई बी हो। तो आप क्या करते हैं, हम मोटर के घूमने की जो दिशा है, मोटर है आपकी, यानी जो आपका ऑल्टरनेटर मूव कर रहा है, मोटर ही तो है वो, ठीक है। उस मोटर के घूमने की दिशा को हम चेंज करते हैं, यानी आप क्या करोगे, अगर इफ यू वांट टू चेंज द फेज सीक्वेंस, आप चाहते हो आर बी वाई था, अब मैं चाहता हूँ कि आर वाई बी हो, इन दैट केस यू विल हैव टू बी चेंज द डायरेक्शन, रोटेटिंग डायरेक्शन ऑफ द मोटर। आप क्या करोगे, मोटर के डायरेक्शन को चेंज कर दोगे। पहले ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो पहले आर आया था, फिर 120 पे बी और फिर 240 पे वाई। अब इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, पहले आर फिर वाई और फिर बी, ठीक है। तो रहेगा वही, ये 0 डिग्री पे, ये 120 पे और ये 240, सीक्वेंस अपने आप चेंज हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर हो, ठीक है, एसी मोटर और डीसी मोटर हो, तो आप अगर फेज सीक्वेंस को चेंज करना चाहते हैं, नंबर जो आपके फेजेस हैं, थ्री फेजेस हैं आपके, अगर उस फेज की सीक्वेंस को आप चेंज करना चाहें, तो आप वो कैसे चेंज करोगे, तो उसको चेंज करने के लिए आपको मोटर के डायरेक्शन को चेंज करना होगा, तो आपके फेजेस खुद ही क्या हो जाएंगे, चेंज, ठीक है, समझ आ रही है एक बार। ये हो गई आपकी फेज सीक्वेंस। अब आगे लिखिए, बस इसमें ऑटो लिखने की जरूरत है, क्या लिखवाया मैंने, इसके नीचे ये डायग्राम है, इसके नीचे लिखिए आर डी वाई, आपको समझ आ जाएगा, आर वाई डी, बस ये लाइन लिख लो, उसमें जो एक लाइन लास्ट में बोल रही उसको दर्ज। घूमने की दिशा को चेंज कर दिया जाए तो फेज सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा, फेज सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। आप इसे हिंदी में लिख सकते हो प्रारंभ और अंत,
बंद करो उसे बस घर जाना है बोलो बच्चो नोट कर लिया अब यहाँ देखिए लो देखिएगा देखिए हमें ये पता है कि जितनी भी हमारे फेज होंगे फेज क्या है पहली बात तुमसे समझ लो फेज क्या है एक फेज है मतलब एक क्वाइल दो फेज है उसमें रेजिस्टर का कोई लेना देना नहीं है क्वाइल का इतना रेजिस्टेंस हो सकता है कि फेज का मतलब आपका सिर्फ क्वाइल से है यानी इंडक्टर से समझ आ गया इसलिए मैंने यहाँ पे ये इंडक्टर दिखाया यानी एक क्वाइल ठीक है ऐसे दो क्वाइल तीन ठीक है तो हर एक क्वाइल का रेजिस्टर हो कैपेसिटर दो ही ऐड होते हैं तो आपको पता है ठीक है और मैंने आपको बताया कि हम हमेशा ऑर्डर ये हमारा पोल चुका है कि नोट को नहीं सब को यहाँ से आपकी चुंबकीय बल रेखा मैग्नेटिक लाइन से ऊपर से दूसरे को ट्रैक करेगी इसके बीच में आपका आर्मेचर होगा राइट और यहाँ पे आपके स्लिप रिंग्स और कार्बन पुश होंगे ये आपका शेफ्ट शेफ्ट आपके कार्बन पुश और स्लिप रिंग्स ये आर्मेचर पे अगर आपका एक क्वाइल है तो एक क्वाइल लिपटी होगी अगर दो क्वाइल है तो दो क्वाइल लिपटी होगी और अगर तीन क्वाइल है यदि हम थ्री फेज सिस्टम पढ़ रहे हैं तो 120 डिग्री की फेज डिफरेंस पे तीन ही क्वाइल आर्मेचर के ऊपर लिपटी ठीक है हर एक 2π/3 घूमने के बाद 120 डिग्री के बाद आपकी एक क्वाइल में 360 में क्या हो जाएगा 120 120 120 एक 120 पे पहले में दूसरे 120 में नेक्स्ट में और नेक्स्ट 120 में तीसरे वाले में आपकी क्या होगी मैक्सिमम वोल्टेज यानी फुल 360 में तीन बार आपकी तीनों फेज में एक साइकिल में फुल साइकिल में तीन बार 2π/3 के 2π/3 यानी 120 डिग्री हर 120 डिग्री के आने पर आपकी एक फेज में मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस यानी ईएमएफ प्रोड्यूस क्योंकि कहा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे करता है आपको पता है ईएमएफ ही जनरेट होगा और वो कितना होगा कितना ईएमएफ जितना जनरेट हो रहा है वो इस पर डिपेंड कर रहा है कि आपकी कितनी ये जो शाफ्ट है ये ऐसे 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 रोटेट करता रहेगा ठीक है ऐसे रोटेट करता रहेगा ऐसे ऐसे घूमता रहेगा और ये शाफ्ट आपका ऊपर नीचे होता है तो आपका जो आर्मेचर से घूमेगा तो ये आर्मेचर जितना ज्यादा जितनी ज्यादा ये इन चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा उतना ज्यादा आपका ईएमएफ हमने तो ओन एंड एवरेज ये माना है कि ड्रॉप तो कुछ है नहीं प्योर कॉइल है प्योर इंडक्टर है तो प्योर इंडक्टर के मैंने आपको बताया ना एनर्जी का लॉस नहीं होता है ये डिसिपेशन नहीं होता है मैंने डायग्राम भी बताया ना कैपेसिटर में लॉस होता है ना इंडक्टर में क्योंकि एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है ये मैंने आपको बताया है शुरू में तो यहाँ पे हमने ओन एंड एवरेज माना है कि ई आपका हर बार जो आपका प्रोड्यूस हो एक फेज ठीक है ई1 प्लस ई2 प्लस ई3 इज इक्वल टू टोटल ई बताया मैंने थ्री फेज सिस्टम में टोटल क्या होगा ई1 प्लस ई2 प्लस ई3 यानी ER, EY और EB ये बताया उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है क्योंकि हम सब कुछ काम करा रहे हैं थ्री फेज सिस्टम में ठीक है तो थ्री फेज सिस्टम में हमने ये बताया कि हर बार आपका मैंने आपको बताया था कि जब आपका आर्मेचर मूव करता है तो हर बार आपकी डायरेक्शन क्या होती है प्रारंभ से अंत की ओर स्टार्ट टू फिनिश यानी स्टार्ट टू फिनिश जब हम मानते हैं तो प्लस डायरेक्शन होती है और अगर आप उल्टा भी मान सकते हो फिनिश टू स्टार्ट मानो वो आपकी सीक्वेंस है कोई प्रॉब्लम नहीं वो आपकी क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी पढ़ाऊंगी मैं अगर आप नहीं इधर ही आ जाना थोड़ी देर में ठीक है स्टार्ट टू फिनिश को डायरेक्शन को आपने माना पॉजिटिव और फिनिश टू स्टार्ट को आप मान रहे हो नेगेटिव यानी जब भी आप एक डायरेक्शन आपको डिसाइड करनी है तो आपको डायरेक्शन प्रैक्टिकली दी गई है कि आप स्टार्ट को फिनिश मान लिए और अगर आप डायरेक्शन मान लिया फिनिश टू स्टार्ट तो वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी मतलब वही वाली बात है कि मैं अगर आप उसको केसीएल केवीएल लॉ सबने पढ़ाया ना या तो आप इनकमिंग को पॉजिटिव मान लो या आप आउटगोइंग को पॉजिटिव मान लो अगर आप आउटगोइंग को पॉजिटिव मान रहे हो तो इनकमिंग क्या हो जाएगी नेगेटिव वही तो वो आपका कन्वेंशन साइन कन्वेंशन है वो केसीएल केवीएल ऐसे मैंने इसके अंदर किया तो मैंने मोटर की डायरेक्शन को इसमें मैंने आपको लिखवाया था कि हम मोटर की डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानते हैं तो अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाए समझ आ गया क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करो सुबह नहीं करो समझ आ गया
तो अब यहाँ पे दो पेयर्स के लिए सपोज मैंने कहा आर आर ठीक है, फिर बी है बी बी बनो, फिर वाई ठीक है ऐसे। उसके बाद आपको पता है कि हर एक वाई हर एक सब्जेक्ट को हर कंपोनेंट को जब आप कनेक्ट करोगे तो उसका पूरा सब्जेक्ट पूरा करना पड़ेगा। सब्जेक्ट पूरा करने के लिए क्या करना है, ये तो इनपुट पे हो गया, आउटपुट पे क्या होगा, लोड। लोड कैसा भी हो सकता है वो मैं आगे बात करूंगा, लोड रेजिस्टिव भी हो सकता है, कैपेसिटिव भी हो सकता है, इंडक्टिव भी हो सकता है, वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। या आप आगे समझोगे क्योंकि अभी तक आपके दिमाग में जो मुझे पता है क्या चल रहा होगा कि जब भी हमें लोड कहा जाएगा तो हम उठा के यहाँ पे ये कनेक्ट करना सीखेंगे, ये तो बताया। वो डिपेंड करता है कि आपका लोड रेजिस्टिव है, लोड कैपेसिटिव है, लोड इंडक्टिव। समझ आ गई मेरी बात, ऐसा जरूरी नहीं होता कि रेजिस्टर ही कनेक्ट होना चाहिए। समझ आ गई मेरी बात। तो अभी तो हम सिर्फ लोड की बात कर रहे हैं, हमें कुछ आगे नहीं। तो मैंने क्या किया, इसको आपने कनेक्ट किया लोड से, लोड से ऐसे कनेक्ट होगा, यानी इसको आप यहाँ से ऐसे लोड ऐसे कनेक्ट करोगे, हाँ या ना। तो हर एक पॉइंट पे आपके दो सिरे आएंगे, पहला सिरा दूसरा सिरा, फिर पहला एंड दूसरा एंड, फिर पहला एंड दूसरा एंड। तो अगर आप एक फेस सिस्टम पढ़ रहे हो, वन फेस सिस्टम, तो सोर्स से लोड की तरफ तक, यहाँ सुन लो लोकेश, सोर्स से लोड की तरफ कितने एंड्स मिलेंगे आपको, दो एंड। अगर टू फेस सिस्टम है तो दो उसके चार। और अब हम बात कर रहे हैं, हमें पता है सारे हमारे थ्री फेस सिस्टम से करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सबसे बेसिक है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वही हमें थ्री फेस सिस्टम में मिल रही है, ठीक है। तो हमें पता है कि छह वायर्स आपकी आनी है, और हमें यह भी पता है कि जो लोएस्ट पॉइंट एक हाईएस्ट पॉइंट है, एक आपका लोएस्ट पॉइंट है, तो लोएस्ट पॉइंट जो है वो सबके लिए कॉमन ही होगा, दैट मींस ग्राउंड। तो हर बार एक वायर आपकी वो है जो कॉमन आ रही है, समझ आ रही है बात। लोएस्ट पॉइंट अगर मैं ग्राउंडिंग की बात करूँ या वर्चुअल ग्राउंड की बात करूँ, जो मैंने आपको लास्ट टाइम ईसीडी में भी पढ़ाया, ग्राउंडिंग का मतलब है लोएस्ट वोल्ट, हर एक वायर का प्लस माइनस, रेजिस्टर को लोगे तभी प्लस माइनस, कैपेसिटर को लोगे प्लस प्लेट माइनस प्लेट। तो हम हर बार क्या कहते हैं कि माइनस और प्लेट को ग्राउंडिंग कर देते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं तो वो लोएस्ट वोल्टेज है, तो उस लोएस्ट वोल्टेज के लिए यानी हर बार हम क्या कर सकते हैं। मैंने ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, ऐसे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जब मैं थ्री फेज सिस्टम को स्टार में कैसे कनेक्ट, स्टार आपका ऐसे ही होता है कैसे बनता है स्टार, एक होता है आपका डेल्टा, एक है आपका डेल्टा। तो आपके स्टार डेल्टा कनेक्शन में या आप ऐसे कह सकते हो मैश कनेक्शन या आपका सीरीज कनेक्शन, यानी आप कनेक्शन आपके दो पढ़े, पहला मैं अपनी बात सुनूंगा, आप दो ही कनेक्शन पढ़े, एक तो आपने कितना क्या पढ़ाई है, तो सीरीज पढ़ाई या पैरेलल पढ़ाई, या दोनों कॉम्बिनेशन पढ़ाई, दोनों कॉम्बिनेशन में आएगा तो सीरीज या पैरेलल। समझ आ रही है, सीरीज का मतलब क्या है, एक की आउटपुट को दूसरे की इनपुट से कनेक्ट कर दो, दूसरे का ये तो होता है, देखो ये आपका सीरीज एक रजिस्टर या एक वोल्ट, इसका प्लस इसका माइनस ऐसे करते, ठीक है। फिर एक और इसका प्लस इसका माइनस, यानी सीरीज में क्या होगा, दो डिससिमिलर एंड्स कनेक्ट हो जाएंगे, दो विपरीत सिरे कनेक्ट हो जाएंगे, एक का माइनस एक का प्लस, ये तो सीरीज होगा। जब आप एक दूसरे को पकड़ोगे तो तुम्हारा लेफ्ट और राइट उसका ही होगा, ऐसे तो होगा ना, विपरीत एंड हो रहे हैं ना, ये तो हो गया सीरीज, ठीक है। इस टॉपोलॉजी को हमने नाम दिया है आपका डेल्टा, ठीक है। एक आता है आपका मैश, मैश कनेक्शन, जिसको हम करते हैं कनेक्ट पैरेलल से। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में आपने देखा होगा अगर मैं इसको कहूँ प्लस माइनस, तो क्या होता है इसमें, क्या होता है सिमिलर एंड जो एक जैसे, सिंपल सी बात है, दो कनेक्शन है, एक सिमिलर पैरेलल, उसी को हमने दूसरा इसमें कनेक्शन का दूसरा नाम दिया। तो आपको ये बात समझ आती है, इसके अंदर समझेगा कि हर बार आपको छह कनेक्शंस को यूज करना पड़ेगा, छह एंड्स को, छह वायर्स को, और छह वायर्स को जब आप थ्री फेज सिस्टम में कनेक्ट करोगे तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी।
हमने उसके अंदर क्या है, हमने उसके अंदर दो तरीके निकाले हैं। एक तो क्योंकि क्या ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसको यूज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम हमारे चाहते हैं कि वो जो काम हम कर रहे हैं उस काम में हमारी कोई ना कोई कॉस्ट कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाए। इंजीनियर का काम क्या होता है, हर बार नई टेक्नोलॉजी पर हो, पुराने फोन में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नए फोन में ना हो, और पैसे भी बहुत ज्यादा ना दें, डे बाय डे पैसे तो कम होते चले जा रहे हैं और फीचर्स आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मैंने 2 साल पहले गैलेक्सी फोन लिया हो, ठीक है, या आईफोन लिया हो, तो आईफोन तो चलो अंदर चीज हो, ठीक है, नॉर्मल फोन से मैंने सैमसंग का लिया, ठीक है, अब मुझे पता लगा कोई चीज मुझे ओप्पो में 12,000 की मिल रही है और फीचर्स भी अच्छे मिल रहे हैं, तो वो क्या किया आपने, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया। आपने ऐसा नहीं किया कि कोई पैसे वैसे कम हो गए कि आप उसमें नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स है वो कम कर दिए, आपने किसी तरीके से कभी वैल्यू घटाई, जहाँ वैल्यू बढ़ रही थी वहाँ वैल्यू को कम कर दिया। तो हमारा इलेक्ट्रिकल में कुल मिला के हमें हर बार क्या करना होता है, सारी कहानी आपने देखा होगा, तारे किसकी बेचती हैं, तो एल्यूमिनियम या कॉपर, कॉपर बहुत ज़्यादा महंगा है, एल्यूमिनियम, क्योंकि मैंने आपको जब इलेक्ट्रिकल वन में पढ़ाया था समझाया भी था, ठीक है, सोने का नहीं बना सकते, फिर चांदी का नहीं बना सकते, फिर कॉपर का बनाते हैं, कॉपर को और सस्ता करना है एल्यूमिनियम को मिला देते हैं, उसमें कुछ एलॉय मिला देते हैं, कुछ कुछ आपका तांबा और कुछ आपका एल्यूमिनियम। तो सबसे सस्ता एल्यूमिनियम और तांबे में कौन सा सस्ता है, एल्यूमिनियम। लेकिन आपको कई बार तार किसकी तार किसकी गली में मिलती है, जितनी आपका ओवर हेडेड लाइन से सारी बार तांबे की या फिर एल्यूमिनियम, दो चीज़ें मिलती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम चीज चाहते हैं देखो अननेसेसरी में बताया कि जो एक पॉइंट है वो सोचा हमेशा लोअर है कॉमन कर सकते हैं। अब हम ये सोचा है अपने दिमाग में इसने कि थ्री फेज वन फेज सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं होगी, टू फेज के लिए होगी, थ्री फेज सिस्टम में दिक्कत आएगी आएगी, क्यों, छह तार की जितनी अगर उसकी कॉस्ट सपोज 400 रुपये तार कर दिया पर मीटर की, तो चार की 1200 रुपये की ये तार पर मीटर की, और जब वो किलोमीटर में जाएगा तो कितनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि सबके घर के पास बिजली घर पड़ा था 2-2 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, ऑन एन एवरेज भी मान के चलो जो 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा ही होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या किया गया, हमने उसके लिए एक नया तरीका निकाला, हमने क्या किया एक टोपोलॉजी यूज की, एक मैथड यूज किए, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन। तो उसके अंदर हमने क्या किया, उसके अंदर हमने इन वायर्स को, छह वायर्स को केवल 4 वायर्स में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो कुल मिला के अगर आपसे कोई पूछे कि स्टार की जो नई टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी सब यूज करते हैं, स्टार और डेल्टा, कहानी वही है सीरीज और पैरेलल वाली, वहां हमने सुना सीरीज और पैरेलल किया, यहाँ पर हमें सीरीज और पैरेलल नाम नहीं किए, कहानी वही होगी। जब मैं आपको समझाऊंगी तो आप ये कहोगे मैम है तो ये सीरीज ही है, ये पैरेलल ही, उसी को दूसरा नाम दिया गया है थ्री फेज सिस्टम, समझ आई मेरी बात। एक में आप सिमिलर एंड्स को जोड़ रहे हो, एक में आप डिसिमिलर एंड्स को जोड़ रहे हो, ठीक है। अब उसके अंदर हमने ऐसे क्यों किया है, सिर्फ हम ये चाहते हैं कि जो वायर्स की जो कॉस्ट है, यानी हर हाल में हम कॉपर और एल्यूमिनियम को सेव करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिक क्या होगी, कॉयल आप ट्रांसफार्मर भी बनाओगे तो वो भी तो किसका बनेगा, कॉयल्स का बनेगा, कॉयल्स किसकी बन गया, तो कॉपर की कॉयल आती है, एल्यूमिनियम की आती है, इसी तो आपकी मोटर इसी की तो आती है, तो कॉपर की आती है, एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की जो एज होती है वो कम होती है, लाइफ कम होती है ना एल्यूमिनियम की, कॉपर की ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जब आप एल्यूमिनियम मोटर बनवाने जाते हो, कूलर वगैरह सभी के घर में किचन में, ठीक है, एसी भी होगा तो इतना तो होगा ही, जब आप एसी भी खरीदते हैं तो उसमें भी कहा जाता है इसमें कॉपर का है इसमें एल्यूमिनियम का है, तो उसमें क्या रेटिंग का भी फिर वैसे ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हमें पता है कि उसकी एल्यूमिनियम जल्दी पिघल जाता है, कॉपर का पिघल जाता है, तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे, वो मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया उस टाइम पर, तो आप होली से पहले की बात है जो मैंने आपको बैठ के पढ़ाया, ठीक है। तो आपको हर हाल में यूज हमारा हमारे पूरी इलेक्ट्रिकल में सब क्या यूज होना है, कॉपर और एल्यूमिनियम, और कुछ है ही नहीं पर्पस यूज करने के लिए, जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है डायोड से आपने क्या कहा ट्रांजिस्टर बना दिया, ट्रांजिस्टर से आपने बीजेटी बनाया, बीजेटी से आप मॉस्फेट, मॉस्फेट से सीमोस टाइमर वाइमर सब वही घूम रहे हैं, ठीक है, गेट वेट सब वहीं से घूम रहे हैं। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वायर्स की कॉस्ट को कम कर दिया, कंडक्टिंग को कम कर दिया, हमने एक ऐसा मेथड निकाला जिसमें हमने स्टार और डेल्टा दो कनेक्शन किए, जिसमें हमारी जो 6 वायर है ये रिड्यूस हो गई। जब नंबर ऑफ वायर्स रिड्यूस हो गई तो क्या होगा, वहां पे वहां पर क्या कॉस्ट, यानी एक वायर को आपने सबके लिए कॉमन कर दिया लोएस्ट वायर, ठीक
ठीक है, और हाईएस्ट वाली आपने अलग रखी, समझ आ गया ये इंटरकनेक्शन। अब बताओ इसे लिखवाने की जरूरत है या नहीं? देखिए बस लास्ट देखिए डायग्राम में छह वायर्स की कॉस्ट को कम करने के लिए डायग्राम में छह वायर्स की या सिरे की कॉस्ट को कम करने के लिए स्टार और डेल्टा मेथड को यूज किया जाता है जिससे थ्री फेज सिस्टम या पॉलीफेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम से ज्यादा भी हो सकता है, सिक्स फेज भी हो सकता है, लेकिन हमारा काम सिर्फ थ्री फेज सिस्टम से चलता है, थ्री फेज सिस्टम या पॉलीफेज सिस्टम में यूज होने वाले तांबे और एल्यूमिनियम की कॉस्ट को कम किया जा सके। अब आप एक छोटी चीज और सुने, और स्टार डेल्टा पे स्टार्ट कर दे रही हूँ, आज नहीं कर रही हूँ, मतलब बेसिक स्टार डेल्टा पे, उसमें मैं डायग्राम बता के डेरिवेशन समझाऊं। पहले आप दो लाइन समझ लो मेरी, अब से नोट करने की जरूरत नहीं। लाइन और फेस वोल्टेज को मैं बताना चाह रही हूँ, उसको समझ लो। सुन लो, देखो आपकी दो थ्री फेज सिस्टम में या पॉली फेज सिस्टम में या टू फेज सिस्टम, वन फेज सिस्टम में नहीं, ठीक है, या एप्लीकेबल टू फेज सिस्टम पे भी हो सकता है, टू फेज हम यूज नहीं करते हैं लेकिन यूज हो सकता है, ठीक है, वन फेज तो है ही नहीं, एक ही फेज है, उसको कुछ और कुछ करने की जरूरत, इसमें इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट होगी, समझने की जरूरत नहीं, ठीक है, उसमें क्या होगा 360 डिवाइड बाय 360 डिग्री पे पूरे फुल साइकिल पे मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगी। अब आपका जैसे मैं थ्री फेज सिस्टम को लेकर समझा रही हूँ, थ्री फेज सिस्टम में चाहे तो आपका डेल्टा हो, ठीक है, और चाहे आपका स्टार, चाहे तो डेल्टा कनेक्शन हो चाहे स्टार कनेक्शन हो चाहे पैरेलल कनेक्शन हो चाहे सीरीज कनेक्शन हो, आप तो हमेशा थ्री फेज सिस्टम में दो टाइप की वोल्टेज मिलेगी, दो टाइप की करंट, दो टाइप की वोल्टेज और दो टाइप की करंट। मैम दो टाइप की वोल्टेज और करंट क्यों मिलेगी? इसमें से इसको बहुत ध्यान से समझ, देखिए थ्री फेज सिस्टम है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, दैट इज आर बी और वाई, ठीक है, अपने ही फेज के अलोंग, अगर मैं ये कहूं कि आर फेज के अक्रॉस या वन फेज या टू फेज या थ्री फेज, वन फेज के अलोंग वोल्टेज क्या होगी, उस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे? अगर इसका आप इंडिविजुअल देखो, R का देखो, Y का देखो, B का देखो, अलग अलग अलग, तो वो वोल्टेज इसमें बहने वाली जो वोल्टेज होगी वी आर और आई आर, वी वाई आई वाई, वी वाई वी वी और आई वी, ये केवल इस फेज के अलोंग है, दैट मीन्स इट वॉज लाइक दिस, समझा रहे हो? तो ये जो वोल्टेज और करंट है इसके अक्रॉस केवल इस पे अपने खुद के अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट होगी इस कॉइल के अक्रॉस, इस फेज के अक्रॉस, इस इंडक्टर के अक्रॉस, तो उसको हम बोलेंगे फेज वोल्टेज और फेज करंट, फेज वोल्टेज और फेज करंट, ठीक है, तो ये फेज वोल्टेज फेज करंट, ठीक है, ये तो होगी फेज की बात, केवल अपने सिंगल इंडक्टर के, ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में कैसे दिमाग में डालना है वो आप देखो, मैंने आपको वो सब साफ शब्दों में बता दिया। अब एक होती है आपकी लाइन करंट और लाइन वोल्टेज होती है दो फेज का रिजल्ट, जो दो फेज के बीच में होती है वो क्या कहलाती है आपकी लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। तो मैं आर और
y, r और y, तो r और y के बीच में यहाँ आएगी रिजल्टेंट, तो क्या हो जाएगी, यहाँ जो वोल्टेज आएगी इसको आप v कहोगे, तो कहोगे v r v y, this is a phase voltage, ठीक है, और इसी के अक्रॉस जो करंट होगी i r y होगी आपकी फेज करंट। इसी तरह आप इस दोनों के बीच में जाओगे तो इन दोनों के बीच में जो करंट होगी उसको हम क्या कहेंगे, फेज करंट। किसके बीच में होगी, आर बी आर, समझ आ रही मेरी बात। इसी तरह इन दोनों के बीच में चलोगे तो वैल्यू क्या आएगी, बी डी वाई आई बी, ठीक है, क्लियर है। आपकी तीन ही फेज वोल्टेज होगी, तीन ही आपकी लाइन वोल्टेज होगी, तीन ही आपकी फेज करंट होगी और तीन ही आपकी लाइन होगी, समझ आ गया मेरी बात। यानी दो फेज के बीच में जो वोल्टेज या करंट होगी वो होगी लाइन करंट या लाइन वोल्टेज। लाइन का मतलब है दो के बीच में, दैट इज लाइन, और जो सिंगल पे है वो उसका फेज, दैट्स। अब इसमें डिफरेंस भी आएगा, कहीं पे वोल्टेज बराबर होगी किसी के, किसी कनेक्शन में लाइन बराबर होगी, उस सारा ब्रेकडाउन में से हम कोई समझ। दो इक्वेशन निकलेंगे आपके, मैं बताती हूं कि मैं कल क्या कराऊंगी। एक में आएगा Vp is equals to phase voltage is equals to under root of 3 Vl, वहां पे I equal to, एक पे ये निकलेगा, एक से एक में इसको उल्टा निकलेगा क्योंकि एक पैरेलल है एक सीरीज है, पैरेलल सीरीज का उल्टा है, तो एक में निकलेगा Ip is equals to under root 3 IL, ठीक है, और वहां पे वोल्टेज क्या हो जाता है, तो कल हमें ये निकाल, और उसके बाद आपको समझ क्लियर हो गया। अब आप मैं उसके साथ नहीं करूँ, ठीक है, मैंने इतना पढ़ा दिमाग से, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बाद 10 तारीख तक ट्रांसफार्मर खत्म हो गया, बस फिर मोटर चल रहा, तो उस मोटर को फिर मोटर की तरह से समझना है क्या करूँ, मोटर तो मेरा समझेगा, बेसिक स्टार्ट करना समझना है आपको, अंदर से शेफ समझाना है, मैं उतनी लैब में भी जाऊँगी ताकि मुझे समझाना ईजी हो, बट आपको हर बार मैं कर करके स्टार्ट कर दिया है, मैं बीसी स्टार्ट करते हैं, एसी स्टार्ट करते हैं, मुझे बार बार आर्मेचर बताऊं, शैफ्ट बताऊं, इससे अच्छा है वो मोटर खोल के देना, तो खोल लो और देख एक बार चला दो, ऐसा नहीं कि सिलेबस खत्म हो जाएगा, सिलेबस तो भागेगा लेकिन वो 10 तारीख के बाद भागेगा क्योंकि उसके बाद हमें इतने मेहनत नहीं करनी।